और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए किसानों, कारोबारियों और कारीगरों से अनेक वादे किए और साथ साथ भाजपा सरकार पर भी वो जमकर बरसे। भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की हवा चल रही है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। MSP का सवाल है, MSP को निश्चित करेंगे कि हर फसल की MSP मिले और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। इधर मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी आज भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। PM मोदी के बिजनौर के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि बिजनौर में धूप निकली हुई है, अब BJP का मौसम कितना खराब हो गया है कि उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा और शिमला पहुंचा दूंगा। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया।